नमस्कार वीकेबी न्यूज़ के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को मीडिया के सामने आए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे अपनी आक्रामक शैली से फिर शिवसेना पर किया पलटवार। मंगलवारी तालाब के सौंदर्यकरण के लिए आम आदमी पार्टी का मुंडन आंदोलन, महानगर पालिका के खिलाफ आपका प्रदर्शन। और एनसीसी कैडेट परेड के बचपन के प्यार की धुन पर वीडियो हुआ वायरल। और अब खबरें विस्तार से। तुम्ही त्यांना प्रश्न देतो, त्यांचा प्रश्न मला कशा विचारता? मुख्यमंत्र्यांना विचारा, नाहीतर ऍडव्होकेट आमच्या दिलीप वळसे पाटलाला विचारा। तुमच्याकडे खाते आहे का अनिल परबकडे? बाकी सगळे खाते उघड केलेत, कलेक्शन बिलेक्शन सगळी इत्यादी। पत्थर तो लंबा से मारते है ना। हम लोग भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मार्फत वातावरण यहाँ बनने नहीं देंगे। किसको? नासिक पुलिस ने कहा है। क्या लिख के दिया मेरे को? अरे उन्होंने एक नोटिस, जरा आप सरकारी काम का समझ लो, खाली इधर का उधर न्यूज मत पहुंचाओ। उन्होंने मेरे को एक नोटिस दिया, मैं जवाब दिया नहीं हूँ। आपको पढ़ा ला? अरे रिसीव का सही नहीं है वो। तुम्ही कोणी माझं काही करू शकत नाही, तुमच्या कुठल्याही प्रक्रियेला मी घाबरत नाही। तुम्हा सगळ्यांना आतापर्यंत मी पुरून उरलेलो आहे। शिवसेना वाढली, त्यामध्ये माझा मोठा सहभाग आहे, तेव्हा आताचे कोणी नव्हते। हे अपशब्द बोलणारे पण नव्हते, कुठे काय करत होते माहित नाही। आणि म्हणून त्यांना आंदोलन करायचंय करू दे, आमचा बंदोबस्त करायचा करू दे, पोलिसांनी पाहत राहू, कायदा आणि सुव्यवस्था आदेश देतात आणि करतात। तुम्ही सर्वांनी अनिल परबची हे पाहिलंच आहे कॅसेट, काही मला हलवत नाहीत, पण ते सगळ्यांना पसकडे पसरले। अधिकाऱ्यांना आदेश देतो, पकडा त्याला। अरे काय धकेती घातला? काय दुसरं काय केलं? राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे कुठे? महिलांवर अत्याचार होत आहेत, दिवसाढवण्यात दुकानं फोडली जात आहेत, बलात्कार करून हत्या केल्या जात आहेत। दिशा साली यांचं कोणी केलं? कोण मंत्री उपस्थित होता का? अद्याप क्षणा लागत नाही। अनेक महिला आहेत, ती पूजा चव्हाण आहे, तिच्यावर पण तेच। आता या गोष्टी गप्प बसणार नाही, काय होती त्या मंत्राला आणि त्याला अटक होईपर्यंत आम्ही पाठलाग करणार लोकशाही मार्गाने, कायद्याने, कोर्टातही जाणार त्या केस बद्दल। बघूया कोण वाचवत, किती पत्रकार बातम्या आज लगेच देतील। संपला का फोन? द्या खरा, पण आम्ही कायदेशीर लढाई लढणार आणि ज्याने कृत्य केलं आहे त्या जे जे होते
ते आज जाईपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही। आमची जन आशीर्वाद यात्रा सुरू आहे, अजून दोन दिवस आहे। कोकणात या महाराष्ट्र महाराष्ट्र आज एक प्रगत राज्य कुठे चाललंय अधोगतीकडे बा। कोरोना मध्ये 157,000 लोक मृत पावली। अरे वो तो आदित्य हमारे मुख्यमंत्री यूपी में है, मैं महाराष्ट्र में हूँ। हमारी जो जन आशीर्वाद यात्रा है ना, उनको प्रतिसाद जो मिला जिस तरह, वो बहुत लोगों को देखा नहीं गया, इस वास्ते चला है। नहीं नहीं, हम क्यों नहीं करेंगे, वो आदित्य जी का काम है, वो करना नहीं करना, मगर हमारे नेता के ऊपर जो किया है उसके बारे में हम दखल ले लिया है। उन्होंने मेरे बारे में शिकायत की, वो सेक्शन के मुताबिक मेरे को वहां से बोला कि कोर्ट में आपको हाजिर करना है, अरेस्ट बिरेस्ट तब तक कोर्ट में जाने तक मार तक मेरे को किसने अरेस्ट नहीं किया। उनकी रिक्वेस्ट पर मैं कोर्ट में गया, बिल्कुल नहीं, मेरे गाड़ी से गया, नंबर दो अभी है। हाँ, ये कौन अग्रलेख में लिखा है, कौन लिखा है, संजय राउत, वाह वाह, उनका आप कितने सुनते और पढ़ के खुश होते हैं। ये कोई संपादक के लायक है ही नहीं। एक तो वो खाली उद्धव ठाकरे जी खुश हुए इतना ही लिखते हैं, और मैं उनको 17 तारीख के बाद जवाब दूंगा। देखिए, यही शिवसेना ने मेरे को मुख्यमंत्री किया, मैं गैंगस्टर था तो मुख्यमंत्री चलता है, फिर अभी भी वही हो गए सब। नहीं, मैं अभी ज्योतिष के पास जा रहा हूँ, ये जो मेरे दोस्त दरे कराया है, एड्रेस लेके आया ज्योतिष का, अभी जाके उसके बाद मैं कहूंगा, याचा नंतर पत्रकार परिषद बंद संपली। अरे अभी अभी काम है, ज्योतिष के पास जाके मैं तारीख एग्जैक्ट दूंगा, आप देखेंगे। हो ये सरकार बननी चाहिए, आपको लगता है आप हंस रहे, आज राज्य की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है, मजदूरों की क्या हालत है, इंडस्ट्री बंद पड़ते जा रही है, बेकारी बढ़ रही है, दो टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सरकार क्यों रखे यहां। बाकी लोग का दुकान तो चल रहा है, बराबर ना। हाँ हाँ, बोल रहे हैं, मुंह थोड़ शब्द नहीं बोलने को कहा है। हाँ, तो आप अभी सवाल ही मत पूछना, नेक्स्ट नेक्स्ट। ज्ञात हो कि 9 अगस्त क्रांति दिन के उपलक्ष में मंगलवारी तालाब परिसर की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को लेकर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुंडन कर अपना विरोध जताया है। नागपुर महानगर पालिका को आम आदमी पार्टी द्वारा इससे पहले भी कई बार समस्याओं के संदर्भ में निवेदन किया गया, लेकिन मनपा प्रशासन ने अब तक इनकी मांगों पर अमल नहीं किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने बुधवार को सीधा मुंडन आंदोलन पर मनपा प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की है। अमरावती मध्ये जुलाई ऑगस्ट या महिन्यामध्ये जवळपास 6 डेल्टा प्लस चे रुग्ण आढळले, आणि मला असं वाटतं की अतिशय गंभीर बाब आहे। आम्ही काल अकोल्यात होतो तर तिथे एक जालन्यात बहुतेक 10 पेक्षा जास्त रुग्ण त्या ठिकाणी आहेत, आणि डेल्टा प्लस हा अतिशय वेरियंट जो आलेला आहे हा थोडासा आपण आपल्याला जपून ठेवलं पाहिजे, सगळं गांभीर्याने घेतलं पाहिजे, कोविड प्रोटोकॉल जो आहे तो व्यवस्थित आपल्याला इम्प्लिमेंट केला पाहिजे, आणि कोविड वाढणं हे सगळ्यांसाठी घातक आहे। महामारी जरी संपल्यासारखी वाटत असली तरी डेल्टा प्लस जर वाढलं तर तिसरी वेव येण्याची शक्यता नाकारता नाही। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।
सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। काल जामीन झाल्यानंतर बाहेर पडल्यानंतर 500 होते, BP त्यांचं वाढलं होतं। हे खरं म्हणजे अटक करतानाच डॉक्टरांनी सांगितल्यानंतरसुद्धा कुठलीही मेडिकल ट्रीटमेंट दिली नाही, 2.5 तास संगमेश्वर पोलीस स्टेशनमध्ये बसवून ठेवलं, अत्यंत अमानवीय झालेलं आहे। आणि त्यामुळे एखादा दिवस राणेसाहेब विश्रांती घेतील, शुगर BP नॉर्मलला आल्यानंतर बहुधा उद्या, पण मला वैद्यकीय टाईमटेबल सांगता येणार नाही, त्यांची तब्येत नॉर्मलला आल्यानंतर यात्रा सुरू होईल। सरकार किती घाबरट आहे, काल रात्री 12 पासून 8 आठवड्याभरासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये संचारबंदी लागू केली। अरे वा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येच प्रॉब्लेम आहे का? संपूर्ण महाराष्ट्र पेटलं आहे, सगळ्या महाराष्ट्र संचारबंदी लावा। आणि संचारबंदी लावण्याने काय होतं आहे, राणेसाहेबांच्या यात्रेला ज्या प्रकारचा मुंबईत प्रतिसाद मिळाला, मुंबई महानगरपालिका हरली, पोपटाचा प्राण त्या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आहे, ते काय राहिलं मग महाराष्ट्रामध्ये? आणि त्यामुळे मुंबईतला प्रतिसाद पाहिल्यानंतर, रायगड जिल्ह्यातला प्रतिसाद पाहिल्यानंतर हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे। काही प्रमाणामध्ये शिवसैनिकांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, राणे एवढं ठोकतात तुम्ही काहीच बोलत नाही, राणे एकटं ठोकतात तुम्ही, त्यातलाच एक प्रयत्न आज रात्री काल रात्री 12 पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संचारबंदी जारी केली आहे। काही परिणाम आमच्यावर होणार नाही। राणेसाहेबांच्या तब्येतीमुळे आम्ही थांबलोत, उद्या सकाळपासून राणेसाहेबांची तब्येत बरी झाली तर ही जन आशीर्वाद यात्रा सुरू होईल। कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतोय आज सामनाने, पण कायदा सुव्यवस्थेवर होणारा परिणाम ही आमची जबाबदारी नाही, टाळी एका हाताने वाजत नाही। ज्या वेळेला काहीशे लोक राणेसाहेबांच्या घरासमोर एकत्र येतात त्यावेळेला कायदा सुव्यवस्था कुठे असते? ते कोण होते? शिवसेनेचे कार्यकर्ते होते, ते प्रामुख्याने युवा सेनेचे कार्यकर्ते होते, ज्यांचं उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना अभिनंदन करतात। म्हणजे तुम्ही एका अर्थाने राणेसाहेबांचं घर फोडायला गेलेल्या लोकांचं अभिनंदन केलं, कायदा सुव्यवस्था कोणाला शिकवतं? एकूणच महाराष्ट्रामध्ये काल दिवसभरात झालेला जो राजकीय खेळ आहे तो पूर्णपणे सूडबुद्धीने झाला हे आता स्पष्ट झालं। न्यायालयामध्ये सरकारने मांडलेला कुठलाही मुद्दा टिकला नाही आणि न्यायालयाने माननीय नारायणराव राणेसाहेबांना पूर्णपणे मोकळीक दिली, जामीन दिला। अशा प्रकारच्या कुठल्याही घटनेनंतर टेक्निकल कंडिशन्स ज्या असतात त्या घातल्या, की दोनदा त्यांनी अलिबाग पोलीस स्टेशनला, आणि पोलीस स्टेशनलाही नाही म्हटलं, जिल्ह्याच्या SP त्यांची हजेरी लावली पाहिजे, जर पोलिसांना आवश्यकता वाटली त्यांचा व्हॉईस टेस्ट करायचा, आवाजची चाचणी घ्यायची, तर त्याला 7 दिवसाची प्रायर नोटीस मिळाली पाहिजे, आणि यापुढे त्यांनी बोलताना काही गोष्टी सांभाळल्या पाहिजेत। यातून हे स्पष्ट झालं की सत्याचा विजय झाला। गेली 20 महिने एकही एखाद्या कार्यकर्त्याला किंवा एखाद्या संस्थेला अडकवणारी शासनाची गोष्ट ही कोर्टात टिकली नाही। कोर्टामध्ये प्रत्येक वेळेला थपडाच खावे लागले आहेत, मग अनिल देशमुखांच्या विषयात असेल, अनिल परवांच्या विषयात असेल, सगळ्याच विषयामध्ये न्यायालयाने सरकारला तुम्ही कायदा हातात घेऊन अनपेक्षितपणे मिळालेल्या राज्याचा दुरुपयोग करून हे केलेलं आहे, हेच त्यावेळेला निकालामध्ये म्हटलेलं आहे। म्हणजे एखादा निकाल सांगायचा झाला तर ज्यावेळेला ग्रामपंचायतीच्या मुदती संपल्या त्यावेळेला शासनाने असं ठरवलं की
त्या त्या गावातला आम्ही ठरवणारा माणूस तो आता काही काळ निवडणुका होईपर्यंत सरपंच होणार. न्यायालयाने त्या विषयामधलं निकालपत्र जे दिलं ते वाचनीय आहे, ज्याला ग्रामीण मराठीमध्ये ठोकणं म्हणतात. तसं सरकारला ठोकलेलं आहे की कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये घटनेमध्येच अशा प्रकारचं प्रावधान आहे की निवडून आलेल्या प्रतिनिधीच्या हातामध्येच तिजोरीची किल्ली देता येते. तर तुम्ही हे नवीन काय काढलं? अशी एक मोठी यादी आहे. आता पुढे काय? तर भारतीय जनता पार्टी ही कधीही मनामध्ये खुन्नस ठेवून लाँग टर्म काम करत नाही. रात गई बात गई. आणि त्यामुळे जामीन झालेला आहे, खूप तब्येत बिघडली, कारण इतकं राणेसाहेबांची, कारण इतकं अमानवीय झालं की जेवताना हातातलं ताट काढून घेतलं गेलं. शुगर हेवी असणारा हा माणूस ज्याची शुगर, मला असं वाटतं की मीडियाने सुद्धा राणेसाहेबांचं वाक्य चुकलं, राणेसाहेबांचं वाक्य चुकलं असं जे म्हणणं सुरू केलं आहे, मला असं वाटतं की ते वाक्य एकदा पुन्हा एकदा मला म्हणायला लागेल. हां, उद्धवजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत हा संदर्भ देताना चुकले हे झाकण्यासाठी. राणेसाहेब जे बोलले की जर मी शेजारी असू तर एक थोबाडीत मारले असते, मग ते थोबाडीत मारायला उद्या मातोश्रीवर जाणार असं म्हणाले, शोधून त्याला थोबाडीत मारतो असं म्हणाले. जर मी शेजारी असतो तर मुख्यमंत्री असून एवढं कळत नाही का असं मी थोबाडीत मारले असती, हा एक कॉमन संवाद आहे. एक लावून दिली असती हा कॉमन संवाद आहे. त्याचं इतकं टोक गाठलं गेलं मीडियाकडून सुद्धा. मीडियाने सारखं कसे राणे चुकले, कसे राणे चुकले, कसे राणे चुकले. राणेंची एक भाषा आहे, राणेंची एक शैली आहे, मलाही मान्य आहे. हां, एखादी गोष्ट चुकली तर त्यावेळेला राणेसाहेबांना, राणेसाहेबांच्या मुलांना सांगण्याची व्यवस्था आहे. पण ज्या एका वाक्यावरून, हां मग तुम्ही बाकीची वाक्य काढा जी ज्याच्यामध्ये जरा जास्त त्यांचा दोष होऊ शकतो, ज्या एका वाक्यावरून एवढं कोलाहल निर्माण केला गेला ते वाक्य काय आहे? आणि त्यांनी, उद्धवजींनी मुख्यमंत्री असताना स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झाल्याचा संदर्भ चुकवला, त्यांना बिलकुल ज्ञान नाही आहे. आणि त्यामुळे त्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही, ते राहिलं बाजूला. ते झाकण्यासाठी राणे राणे राणे, अटक अटक अटक, जामीन जामीन जामीन, यात्रा यात्रा यात्रा. केवढ्याला पडलं तुम्हाला? फुग्याला भोग तुमच्या फुग्याला पडलेला आहे. त्यामुळे मुळात सामनाच्या अग्रवेगाला आम्ही काही किंमत देत नाही. राऊतांचं तर सकाळचं प्रवचन ठरलेलं आहे. आणि त्यामुळे राऊसाहेब, तुमच्यावर एका महिलेने जे आरोप केलेले आहेत ते आरोप दाबण्यासाठी त्या बिचारीला तुम्ही जेलमध्ये जायला भाग पडलं. सत्तेचा दुरुपयोग. त्या महिलेच्या मागे सगळ्या समाजाने उभं राहिलं पाहिजे. निलंतई गोरे मारे महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरुद्ध भांडणाऱ्या, हां, उपसभापती झाल्यानंतर आपल्या पदाची गरिमा राखा शिवसेनेच्या प्रवक्त्याने बोलू नका, त्यांनाही आम्ही न्यायालयात खेचणार आहोत. विधान परिषदेचं उपसभापतीपद हे कुठल्याही पक्षाचं नाही. मग तुम्ही पक्षाच्या वतीने कसे काय दुतोंड्या वगैरे म्हणता नारायण राणेंना? आम्ही कोर्टाला विचारणार आहोत, कोर्टाने सांगावं की नाही असं करता येतं. पण यापुढे आमचंही राज्य येईल तेव्हा आम्ही पण आमच्या सगळ्या विधानसभा अध्यक्षांना, आमचे हरिभाऊ बागडे, आमच्या संघटनेच्या पक्षाच्या बैठकीला यायचे नाही, त्यामुळे मी आता विधानसभेत जाते. गोंदिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से मोबाइल चोरी करने वाले कुख्यात चोर को रेलवे पुलिस ने चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है. रेलवे में चोरी करने वाले इस चोर का नाम हर्ष राजेश बंसोड़ बताया जा रहा है, जो रेलवे में छोटी मोटी चोरी करता है, जिसके खिलाफ चोरी का मामला भी दर्ज है. लेकिन इस बार इस चोर के पास से 43,200 के चोरी के माल के साथ एक धारदार चाकू भी जब्त किया गया है, जो रेलवे पुलिस के लिए हैरानी की बात है. इस चोर को रेलवे गोंदिया व लोहमार्ग पुलिस द्वारा धर दबोचा गया. पिछले 17 महीनों से कोरोना ने लोगों को हलाकान कर रखा है. हालांकि कुछ दिनों से कोरोना से राहत मिली है, लेकिन अब डेंगू का डंक कहर बरपा रहा है. ग्रामीण की तुलना में सिटी में अधिक मरीज मिल रहे हैं. इसके बाद भी प्रशासन द्वारा उपाय योजना मामले में गंभीरता तक नहीं बरती जा रही है. जनवरी से लेकर अब तक जिले के 1,065 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं. इनमें से 6 लोगों की मौत सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है. बारिश के सीजन में हर वर्ष डेंगू आतंक मचाता है. पूर्वी विदर्भ में सबसे प्रभावित जिलों में नागपुर का ही समावेश है. इसके बाद भी प्रशासन द्वारा उपाय योजना के नाम पर केवल जन जागृति के अलावा कुछ खास नहीं किया जाता. प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी 2021 से लेकर 21 अगस्त तक सिटी में 565 डेंगू मरीज मिले. इनमें से 3 मरीजों की मौत हो गई, जबकि ग्रामीण में 500 मरीज मिले. यहां भी 3 मरीजों की मौत दर्ज है. इस तरह जिले में 8 महीने के भीतर 1,065 लोगों को डेंगू के डंक ने घायल किया. पूर्व विदर्भ में ही सबसे अधिक मरीज मिलते हैं.
इससे पहले चंद्रपुर और गढ़चिरौली में अधिक मरीज मिलते थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों को देखें तो नागपुर को छोड़कर अन्य जिलों में कम मरीज मिले हैं। वर्धा जिले में 196 मरीज मिले, जिनसे एक मरीज की मौत हो गई। इसी तरह चंद्रपुर जिले में 274 मरीज मिले, जबकि एक की मौत हुई। भंडारा जिले में 23 मरीज, एक की मौत। गढ़चिरौली में 22 और गोंदिया में 90 मरीज मिले। डेंगू नोटिफाइड बीमारी में शामिल है। सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल, सभी को मरीजों की जानकारी प्रशासन को देना अनिवार्य है, लेकिन केवल उन्हीं मरीजों की जानकारी दी जाती है जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, जबकि घर पर ट्रीटमेंट करने वालों का रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। इसी दृष्टि से देखा जाए तो मरीजों की संख्या दोगुनी हो सकती है। कपिल नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि दोस्त ने ही उस पर चाकू और पत्थर से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक गुरुतेग बहादुर नगर निवासी अमनदीप सिंह उर्फ पाजी गुलदीप सिंह राजपूत बताया गया। इस घटना से परिसर में दहशत फैल गई। वहीं दूसरी ओर हत्या की वारदातों से लोगों में भय का माहौल भी बनता नजर आ रहा है। स्थिति ये बन गई है कि नागपुर में कुछ दिनों बाद हत्याएं हो रही है। पुलिस के अनुसार कुलदीप का दोस्त संयम बागड़े कपिल नगर थाना अंतर्गत म्हाड़ा कॉलोनी की गली क्रमांक 18 में रहता है। वह अक्सर संयम से मिलने परिसर में जाता है। मंगलवार की रात 10 बजे के दौरान भी वह संयम से मिलने गया था। इसी दौरान उसका संयम से विवाद हो गया। संयम ने कुलदीप को मारना शुरू कर दिया, उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया। कुलदीप वहीं गिर गया। इसके बाद संयम ने उसके सिर पर पत्थर से वार कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी नीलोत्पल और कपिल नगर थाने के इंस्पेक्टर अमूल देशमुख अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। देर रात तक हत्या की वजह पता नहीं चल पाई थी। नीलोत्पल ने बताया कि प्राथमिक जांच में संयम और कुलदीप के एक ही वाहन पर परिसर में दाखिल होने की जानकारी है। हत्या की वजह पता नहीं चल पाई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। घटना के बाद पुलिस ने परिसर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, साथ ही रात के वक्त गश्त लगाकर है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महापौर दयाशंकर तिवारी से मुलाकात की। महापौर ने रक्षा मंत्री को बताया कि नागपुर मनपा की ओर से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के मौके पर एम्प्रेस मिल परिसर में 1,00,000 वर्ग फुट जगह पर वंदे मातरम उद्यान बनाया जा रहा है। इस उद्यान को युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, शौर्य पदक प्राप्त सैनिक, पूर्व सैनिक, वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान रक्षा मंत्री सिंह ने महापौर की संकल्पना की प्रशंसा की। इस मौके पर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी, पूर्व सांसद अजय संचेती आदि उपस्थित थे। महापौर ने रक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। महापौर ने रक्षा मंत्री से ज्ञापन में मांग की कि उद्यापन के लिए सेना के T-72 टैंक, वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान MiG-23-27 तोप के अलावा 2 DPSLR 7.2 मिलीमीटर की मांग भी उन्होंने की। वंदे मातरम उद्यान को युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, शौर्य पदक प्राप्त सैनिक, पूर्व सैनिक, वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को समर्पित किया जाएगा, जो शहर की एक पहचान भी बनेगा। तो VKB न्यूज प्राइम टाइम में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।